डीएवी पब्लिक स्कूल हमीरपुर में एक दिवसीय एचपी जॉन बी और डी के डीएवी विद्यालयों के प्रधानाचार्य अकाउंटेंट और लिपिकों के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें डीएवी स्कूलों के प्रिंसिपल्स अकाउंटेंट्स और लिपिकों ने भाग लिया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि जीके भटनागर एआरओ एचपी जॉन बी और बीके यादव एआरओ एचपी जॉन डी व प्रिंसिपल डीएवी पालमपुर रहे। इस कार्यशाला में 45 अकाउंटेंट्स व लिपिक और 20 डीएवी स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता विश्वेश्वर दत्त शर्मा पीएफ एडवाइजर ने पेंशन और प्रोविडेंट फंड नॉर्मल्स पर चर्चा की और विभिन्न स्कूलों के अकाउंटेंट्स और प्रधानाचार्यों को विस्तार से जागरूक करवाया। गोकुल लेगी इंफॉर्मेशन ऑफिसर ईपीएफओ शिमला ने पेंशन और ईपीएफ के बारे में विभिन्न जानकारियां प्रदान की। इस मौके पर संजय कौशल सीए हमीरपुर और अरविंद शर्मा सीए हमीरपुर ने विद्यालयों में अकाउंटेंट्स टीएस और इनकम टैक्स के बारे में अपने विचार व विभिन्न जानकारियां प्रदान की। बीके यादव एआरओ एचपी जॉन डी व प्रिंसिपल डीएवी पालमपुर ने एमएसीपी स्कीम और लीव रूल्स पर अपने विचार व्यक्त किए। जीके भटनागर एआरओ एचपी जॉन बी ने परचेज नॉर्मल्स और कंस्ट्रक्शन रूल्स पर अपने विचार रखे। इस मौके पर विभिन्न डीएवी विद्यालयों के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे, जिनमें विक्रम सिंह प्रिंसिपल डीएवी आलमपुर, एमआर राणा प्रिंसिपल डीएवी भागनी, एसपी सिंह प्रिंसिपल डीएवी भरमौर, आरएस राणा प्रिंसिपल डीएवी मनाली, अशोक गुलेरिया प्रिंसिपल डीएवी चंबा, सुरजीत राणा प्रिंसिपल डीएवी नादौन, दिनेश कौशल प्रिंसिपल डीएवी मनई, शेखर मोदगिल प्रिंसिपल डीएवी डियारा, रशीम जम्बाल प्रिंसिपल डीएवी रहन, अंशु सूद प्रिंसिपल डीएवी कुल्लू, राकेश शर्मा प्रिंसिपल डीएवी देहरा, एकता अत्री प्रिंसिपल डीएवी बनखड़ी, जयदेव शर्मा प्रिंसिपल डीएवी गोजू, सुरेंद्र सिंह प्रिंसिपल डीएवी पट्टा जाटिया, अनुराग शर्मा प्रिंसिपल डीएवी नगरोटा सूर्या और लता प्रिंसिपल डीएवी योल ने इस कार्यशाला में भाग लिया। इस मौके पर प्रिंसिपल डीएवी हमीरपुर विश्वास शर्मा ने कहा कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रिंसिपल्स अकाउंटेंट्स और लिपिकों को डीएवी विद्यालयों के विभिन्न कर्मचारियों के पेंशन अकाउंटेंट्स लीव रूल्स और प्रोविडेंट फंड के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना रहा है। दिल्ली में 30,000 कोर्ट के बाहर पार्किंग को लेकर पुलिस और एडवोकेट में मारपीट को लेकर पूरे देश भर में वकीलों ने एक दिन के लिए काम का बहिष्कार किया है, जिसके चलते हमीरपुर जिला न्यायिक परिसर में भी सभी वकीलों ने अपना कामकाज ठप्प रखते हुए दिल्ली में 30,000 कोर्ट के मामले को लेकर समर्थन जताया है। हमीरपुर न्यायिक परिसर के बाहर वकीलों ने मामलों की पैरवी से लेकर अन्य कामों से दिन भर किनारा रखा है। हिमाचल प्रदेश बार काउंसिलिंग में रोहित शर्मा ने दिल्ली में हुई घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि वकीलों के ऊपर किया गया हमला लोकतंत्र के ऊपर हमला है। उन्होंने बताया कि बार काउंसिलिंग इंडिया की पूरे देश के लिए एक दिन की हड़ताल के चलते कामकाज ठप किया गया है। शर्मा ने कहा कि मामले में शुरुआत पुलिस के द्वारा की गई है और इस मामले में वकील पूरी तरह से निष्पक्षता से जाँच की मांग कर रहे हैं। वहीं हमीरपुर बार काउंसिलिंग के उपाध्यक्ष अमित शर्मा ने बताया कि दिल्ली की 30,000 कोर्ट में पुलिस की बर्बरता के चलते वकील कामकाज को ठप रखकर दिल्ली के वकीलों का समर्थन जता रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली के 30,000 कोर्ट के बाहर वकीलों और पुलिस के बीच पार्किंग स्थल में हुई मारपीट के बाद पुलिस के द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर वकीलों ने कड़ा एतराज जताया है। इसी के चलते आज पूरे देश भर में वकीलों ने कामकाज का बहिष्कार कर अपना रोष प्रकट किया है।
हमीरपुर के नादौल विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शेरा में आयोजित जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आईपीएच मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह ने जायका प्रोजेक्ट के कार्यों में गुणवत्ता की कमी की शिकायतों को दूर करने के लिए जिलाधीश हमीरपुर को उपनिदेशक कृषि की अध्यक्षता में टीम गठित कर जाँच करने के निर्देश दिए है। कार्यक्रम के दौरान नादौन के विधायक सुखविंदर सिंह, प्रदेश परिवहन निगम के उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री, उपायुक्त हमीरपुर, पुलिस अधीक्षक एसडीएम नादौन सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। जनमंच कार्यक्रम में आई शिकायतों पर आईपीएच मंत्री ने कहा कि जापान व केंद्र सरकार के माध्यम से प्रदेश सरकार को मिले इस प्रोजेक्ट के तहत कई क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन कार्यों की गुणवत्ता पर शिकायतें आ रही हैं, जिसे दूर करना होगा। अपने संबोधन के दौरान आईपीएच मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह ने कहा कि जनमंच कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखते हुए प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में अब जिला स्तरीय जनमंच कार्यक्रम शीघ्र ही शुरू करने जा रही है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद शामिल होकर लोगों की समस्याओं और उनकी मांगों को पूरा करेंगे। इस मौके पर ठाकुर महेंद्र सिंह ने लोगों को शिप प्रोजेक्ट में शामिल कर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। जनमंच कार्यक्रम में नदारत रहने वाले नगर पंचायत नादौन के सचिव सतीश ठाकुर पर रुष्ट होते हुए ठाकुर महेंद्र सिंह ने सचिव को चार्ज शीट करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों में नदारत रहने वालों के खिलाफ सख्ती से पेश आया जाएगा और उन्हें किसी भी किस्मत पर बख्शा नहीं जाएगा।